नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में और साथ साथ हम जानेंगे कि गारंटी कहते किसे हैं, इसमें पार्टीज कौन कौन होती हैं और कितनी होती हैं, इसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं और डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। दोस्तों, गारंटी शब्द हमने पहले भी सुना हुआ है और हम लोग आम तौर पर इस शब्द को इस्तेमाल भी बहुत करते हैं। तो पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि गारंटी कहते किसे हैं। जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करता है और दूसरा व्यक्ति उसके बिहाफ में सिक्योरिटी देता है, इस प्रोसेस को हम गारंटी कहते हैं। अब देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते किसे हैं। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। अब अगर इसे हिंदी में समझें तो जहाँ पर एक व्यक्ति अपने वादे को पूरा करने में चूक कर देता है तो वहाँ पर तीसरे व्यक्ति की लायबिलिटी फिक्स करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। आइए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए, एक व्यक्ति बी से कुछ पैसे लोन मांगता है और वो कहता है कि इन पैसों को वो कुछ समय बाद वापस लौटा देगा, परंतु बी कहता है कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ए उसे इस नियमित अंतराल में वापस लौटाएगा। अगर ए भाग गया, ए के बिहाफ में बी के पैसे बी को कौन लौटाएगा? तो ऐसे में सी, जो कि एक बिजनेसमैन है, बी से कहता है कि आप ए को लोन दे दीजिए, ए आपको नियमित टाइम में वो पैसे वापस लौटा देगा। पर अगर ए पैसे वापस नहीं लौटाता है तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, ए के बिहाफ में मैं आपको पैसे वापस दूंगा। तो इन तीनों लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहेंगे। अब यहीं पर हम इसे ऐसे भी समझ लेते हैं कि ए जो है वो कहलाएगा प्रिंसिपल डेप्टर, बी कहलाएगा क्रेडिटर और सी कहलाएगा सियोरिटीज। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की पार्टीज़ की। तो जैसे कि हमने पहले देखा, इसमें तीन पार्टीज़ होती हैं, प्रिंसिपल डेप्टर यानी कि द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, यानी कि जिसके डिफॉल्ट पर गारंटी दी गई है। दूसरा व्यक्ति है क्रेडिटर, द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन, यानी कि जिस व्यक्ति को गारंटी दी गई है। और थर्ड और आखिरी श्योरिटी, यानी कि द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी, यानी कि वह व्यक्ति जो गारंटी देता है उसे हम श्योरिटी कहेंगे। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल्स की। फर्स्ट एसेंशियल है कंकरेंस ऑफ थ्री पार्टीज, यानी कि दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को फुलफिल करने के लिए तीन पार्टी होना ज़रूरी है। अगर तीन पार्टीज़ नहीं होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या कोई और सिंपल नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, पर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं माना जाएगा। जैसे कि हमने तीनों पार्टीज़ को देखा, प्रिंसिपल डेप्टर, क्रेडिटर और श्योरिटी। अब बात करते हैं इसके सेकंड एसेंशियल, यानी कि श्योरिटी इज डिस्टिंक्ट प्रॉमिस टू बी आंसरेबल इज नेसेसरी। यानी कि दोस्तों इसे हम ऐसे समझते हैं कि जब तक श्योरिटी जो है अपनी श्योरिटी नहीं देगा, अपनी गारंटी नहीं देगा, तब तक हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं मानेंगे। दोस्तों इस एसेंशियल को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जहाँ पर ए और बी एक शॉप पर जाते हैं, ए जो है एक टीवी खरीदता है जिसकी कीमत 5000 रुपये होती है, ए उनमें से 3000 रुपये दुकानदार को पे कर देता है और बोलता है कि बाकी के 2000 रुपये मैं आपको कल तक दे दूंगा। ऐसे में बी बोलता है कि ए आपको कल तक पैसे दे देगा। बी की इस स्टेटमेंट को हम गारंटी नहीं मानेंगे और उसे हम श्योरिटी नहीं समझ सकते। हाँ, अगर बी ये कहता है कि ए कल तक पैसे दे देगा
और अगर ए कल तक पैसे नहीं देता है तो उसके बिहाफ में मैं पेमेंट करूंगा, तो बी की इस स्टेटमेंट को हम गारंटी मानेंगे और बी श्योरिटी कहलाएगा। अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट एसेंशियल की, यानी कि लायबिलिटी मस्ट बी लीगली इन्फोर्सिबल। यानी कि दोस्तों जो लायबिलिटी है श्योरिटी की वो लॉ से इन्फोर्सिबल होनी चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यानी कि एक श्योरिटी पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं होगा अगर जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेशन लॉ के थ्रू टाइम बार्ड कर दिया गया है, तो इसका मतलब वो लायबिलिटी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो लीगली इन्फोर्स नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो दोस्तों सबसे पहला जो डिफरेंस है बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी वो है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो डिफाइन है वो अंडर सेक्शन 124 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो अंडर सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ दो पार्टीज होती हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। यानी कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि वह व्यक्ति जो प्रॉमिस करता है लॉस से बचाने के लिए इंडेमनीफायर, और जिसका लॉस होता है इंडेमनिटी होल्डर। वहीं अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल डेप्टर यानी कि जिसके बिहाफ में श्योरिटी दी जाती है, क्रेडिटर जिसको श्योरिटी दी जाती है, और श्योरिटी यानी कि वो वह व्यक्ति जो प्रिंसिपल डेप्टर के बिहाफ में श्योरिटी देता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में। वहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें तो इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पहला बिटवीन क्रेडिटर एंड डेप्टर, दूसरा बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी, जबकि के तीसरा बिटवीन डेप्टर और श्योरिटी। दोस्तों जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन डेप्टर एंड श्योरिटी वो एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि डेप्टर के बिहाफ में जो श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट की थी, श्योरिटी डेप्टर से वो अपनी पेमेंट बाद में ले सकता है, इसके लिए वो हिडन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो इंडेमनीफायर की जो लायबिलिटी है वो इंडेमनिटी होल्डर के लॉस होने पर ओरिजिन होती है। यानी कि जब तक इंडेमनिटी होल्डर को कोई लॉस नहीं होगा तब तक इंडेमनीफायर की लायबिलिटी ओरिजिन नहीं होगी। जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर को लॉस हुआ इंडेमनीफायर की लायबिलिटी ओरिजिन हो गई या स्टार्ट हो गई। वहीं अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की तो श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो प्रिंसिपल डेप्टर के जो उसकी लायबिलिटी उसके डिफ़ॉल्ट होने पर ओरिजिन होती है। यानी कि जब तक प्रिंसिपल डेप्टर की लायबिलिटी डिफ़ॉल्ट नहीं होगी तब तक श्योरिटी की लायबिलिटी ओरिजिन नहीं होगी। जैसे ही प्रिंसिपल डेप्टर ने अपनी लायबिलिटी डिफ़ॉल्ट की वैसे ही श्योरिटी की लायबिलिटी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक ही लायबिलिटी होती है जिसे हम प्राइमरी लायबिलिटी कहते हैं, जो कि इंडेमनीफायर की होती है टुवर्ड्स द इंडेमनिटी होल्डर। जबकि क्या अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में दो लायबिलिटीज होती हैं, प्राइमरी लायबिलिटी और सेकेंडरी लायबिलिटी। प्राइमरी लायबिलिटी जो होती है वो प्रिंसिपल डेप्टर की होती है टुवर्ड्स क्रेडिटर, जबकि के सेकेंडरी लायबिलिटी जो होती है वो होती है श्योरिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें, और हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं लॉ से रिलेटेड। अपनी अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए लॉ गुरु में। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।